तो आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का मेन पर्पज ये है कि जो बाजार में जो काम हो रहा है, जो इन्वेस्टर है बाजार के अंदर, वो किस टाइप की प्रॉपर्टी आज के टाइम डिमांड कर रहा है और बाजार किस तरीके की प्रॉपर्टी आज बाई कर रहा है। तो बाजार के अंदर ज्यादातर जो आज जो बायर है वो ज्यादातर बड़ा बायर है, बड़े टिकट साइज, और छोटा बायर तो है ही नहीं, मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का माल बिल्कुल भी नहीं है। और सभी की सभी जो पैसा लगा रहे हैं वो एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर पैसा लगा रहे हैं जिसका अगर सर्कुलेट देखा जाए तो 20 से 25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट आता है। और हम जिस डेवलपर के अंदर, हम जहां पे अपने इन्वेस्टर का पैसा लगाते हैं, हम वहां गारंटी के साथ ये कह सकते हैं, आप भी बिल्कुल ठोक के ये कह सकते हो कि सर ये डेवलपर या ये प्रोडक्ट आपको कमा के देके जाएगा। ठीक है, आप अपने इन्वेस्टर या अपने कस्टमर को कभी भी ये मत सजेस्ट करो कि जहां सभी जा रहे हैं और उसके आगे जाके कोई वैल्यू ना बने उस प्रोडक्ट। क्या है कि चलती मार्केट के अंदर हर कोई ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट करता है जहां पे आसानी से अलॉटमेंट हो सकती है या सर पूरा बाजार मांग रहा है। पूरे चलते हुए बाजार के अंदर अलॉटमेंट मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट लोग चाहते हैं कि वहां पे डील होना ईजी है, तो इसलिए लोग ज्यादातर वो प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं जहां उनकी डीलिंग ईजी हो, है ना। तो जहां पे डील ऐसे इजी हो जाते हैं ना, वहां पे प्रोडक्ट में आगे जाके फाइट आ जाती है। फाइट वो इस वजह से आती है क्योंकि वो ऑलरेडी हाई रेट के ऊपर प्रोडक्ट होते हैं, या फिर आप ये मानो कि जो ज्यादातर कस्टमर कहते हैं भाई अच्छा है, रेपुटेटेड डेवलपर है, नाम अच्छा है, है ना। नाम अच्छे से कोई मतलब नहीं होता, बात होती है कि आगे जब आप इस रेट के ऊपर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसका आगे वैल्यू कितनी होगी, वो निकलेगा नहीं निकलेगा, या आगे जाके उसकी वैल्यू इन्वेस्टर को मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, या एंड यूजर जिसमें एंटर हो रहा है उस एंड यूजर की वैल्यू क्या बनेगी। तो हम जहां भी अपने इन्वेस्टर को एंटर करते हैं, आज भी अपने इन्वेस्टर है वो बड़े पावरफुल इन्वेस्टर्स हैं अपने पास भी हैं, अच्छे हैं, और आज तक उन्होंने कभी ये नहीं पूछा है कि जी कहां क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। यानी हमने अपना जहां भी इस संस्था के अंदर, आप लोग जहां भी काम कर रहे हो आज, इस संस्था का मार्केट क्या है, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम है, और अच्छे लेवल के ऊपर इस संस्था की जो भी आपने अपने कस्टमर को जो भी सजेशन दी है या आपने एज ए कमिटमेंट किया है वो इस संस्था ने कंप्लीट भी किया। यानी आज जो बाजार है वो 20,000 के रेट पुकारता रहता है, और हम जहां पे एंटर करेंगे अपने इन्वेस्टर्स को जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे द्वारका एक्सप्रेस से क्या पूरे गुड़गांव का रेट ले लो, ऐसा रेट नहीं है। क्योंकि जो 20,000 रुपये आज माल खरीद रहा है ना, वो कुछ टाइम के बाद जाके ठंडा हो जाएगा। और हम जो कस्टमर को दे रहे हैं, चाहे उसमें एंड यूजर भी आ गया हो चाहे इन्वेस्टर भी आ गया, वो मार्केट काम करेगी, चारों तरफ 20,000 का सर्कुलेट घूमता रहेगा, वो और बढ़ेगा। आज जो मार्केट है वो मार्केट एज ए आप इसको फोमो मान लो या डिमांड मान सकते हो, जैसे अभी लाइव एग्जांपल देख सकते हो, डीएलएफ ने अपना वेस्ट लॉन्च किया है ना, तुरंत सोल्ड आउट। 2,000 इन्वेस्टर या 2,000 बायर इस टाइम बाजार के अंदर खाली बैठे हैं अच्छी चीज परचेज करने के लिए, लेकिन फाइट कहां आ रही है कि भाई इतना महंगा रेट लेके क्या ये आगे टूट जाएगा या रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं है। क्या है कि जब सारे प्रोडक्ट एक लेवल में फ्लो कर रहे हो ना, हवा में ऐसे तैर रहे हैं, सिर्फ 20,000 किसी के जुबान से सुनोगे तो 20,000, उससे नीचे कोई बात नहीं करता या उससे ऊपर लेके आते, किसी टाइम के अंदर वो सारी की सारी चीजें है ना वो एक पकड़ में हो जाए। अगर आप उसी लेवल के अंदर मार्केट में बराबर रेट पे जाके खड़े हो जाओगे तो जो आगे इन्वेस्टर जो सेल करेगा या जो एंड यूजर आगे जाके खरीदेगा, क्योंकि बाजार के अंदर हर प्रकार का इन्वेस्टर होता है, मिड का भी होता है, हाई का भी होता है, लो बजट भी होता है, हाई बजट भी होता है, सैलरीड भी होता है, कोई सेल्फ फंडिंग वाला भी होता है, वो उस ऐसा माल ढूंढेगा जिसमें उसको दो पैसा बचेगा, वो हाई रेट का प्रोडक्ट क्यों खरीदे, स्टार्टिंग में पैसा क्यों दे। ये बेनिफिट कस्टमर को हमेशा दिलाना पड़ेगा। और जो प्रोडक्ट
आज मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करता हूं, और आप लोग भी सजेस्ट करते हो अपने इन्वेस्टर्स को, उस प्रोडक्ट में आप लिख के या गारंटी लेके भले ही बोल दो कि सर एप्रिसिएशन मिलेगा 100%, क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो पूरे बाजार के अंदर क्वालिटी नहीं है। उस प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट चलता है तो ब्रांड से नहीं चलता है, उस प्रोडक्ट की बाजार को रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बाजार प्रोडक्ट मांगता है, डेवलपर नहीं मांगता। रहने के लिए किसी को घर चाहिए तो वो घर ढूंढता है, तभी तो वो आगे प्रोडक्ट जंप करता है, उसकी नीड होती है। आज पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे, एक्सटेंशन, गोलकोस रोड, या आप SPR रोड ले लो, न्यू गुड़गांव का एरिया ले लो, ऐसा तो पेमेंट प्लान पूरे बाजार में नहीं है, ऐसी कनेक्टिविटी पूरे बाजार में नहीं है, ठीक है? और ऐसा प्रोडक्ट का मॉडल पूरे बाजार में नहीं। आप लोगों के साथ कई बार फाइट भी आती होगी, है ना? ज्यादातर कस्टमर कहते भी होंगे भाई न्यू डेवलपर है, बनाएगा नहीं बनाएगा, है ना? चाहे वो रेपुटेटेड भी हो या कुछ बना भी रखा हो उसने, चाहे उसने स्टॉक भी कर रखा हो, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है हाँ सर। वो तो है, सारी चीजें अट्रैक्टिव है, चाहे वो पेमेंट प्लान हो या रेट हो, मोस्टली अट्रैक्टिव है। बट फाइट कहाँ आती है, फाइट आती है जी कि नया और पुराना, देखो नए पुराने पुराना का मार्केट मतलब में स्टैब्लिश हो चुका है, अभी नए को स्टैब्लिश होने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज स्टार्टिंग है तो कैसे ट्रस्ट करके चले, ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, क्योंकि कल को बेबी ना बना पाया तो पैसा स्टॉक हो जाएगा या ऐसा कुछ कौन ऐसा। सा प्रोडक्ट था या ऐसा कौन सा डेवलपर था जो हवा में ही आके प्रोडक्ट बनाने लग गया? स्टार्टिंग से ही पुराना था, तभी तो नया था वो भी। हर कोई कहीं कहीं से स्टार्ट करता है, राइट? बात वो नहीं है कि स्टार्ट करता है या वो चलेगा नहीं चलेगा। ऐसे हजारों प्रोडक्ट हैं बाजार के अंदर जो पहली बार ही आए और पहली बार ही हवा में है आज के। ये कस्टमर कहते जरूर हैं बट वो अधूरी नॉलेज के साथ होते हैं, राइट? क्योंकि उनके दिमाग में बाजार से बार बार कॉल जाके ये फिट कर दिया जाता है कि भाई नहीं वो तो पुराना है, वो है डेवलपर है, ये नया डेवलपर है, ये अच्छा बनाएगा। क्योंकि उनको डीलिंग से मतलब होता है, इन्वेस्टर या एंड यूजर के पैसे से कोई मतलब नहीं। जहां आप अपने इन्वेस्टर के पैसे की फिक्र रखते हो ना, आप कभी भी उसको लॉस प्रॉपर्टी नहीं देते हो। आप लोगों को इतने टाइम हो गया है इस संस्था के अंदर, एक भी इन्वेस्टर या एक भी कस्टमर ये नहीं कह सकता कि आप लोगों ने कोई गलत प्रॉपर्टी दी। हर किसी ने यहाँ से प्रॉफिट भी कमाया है, उसको अच्छा प्रोडक्ट भी मिला है, और वो श्योरिटी भी मिली है जो हमने दी। तो ये संस्था कुछ अलग तरीके से काम कर रही है। यहाँ कस्टमर का पैसा पहले चेक किया जाता है कि भाई आप उस फुटफॉल में फॉलो करते हो या नहीं करते हो, तभी हम उसको एक राइट सजेशन देते हैं, राइट इन्वेस्टमेंट देते हैं, और एंड यूजर है तो उसके लिए फ्यूचर के अंदर क्या बेनिफिट होगा। और दूसरी बात है कि नया डेवलपर नहीं है, कई प्रोडक्ट हैं, और जिन लोगों ने पिछले साल परचेज किया था 3,000 रुपये तक का पैसा दिया आज तक पर स्क्वायर फीट का, और वो आज 3,000 रुपये के डिमांड में ही प्रॉफिट में बैठे, बेचने के लिए तैयार नहीं है। जल्द चीजें देखने को मिलेंगी बहुत पावरफुल। आप लोगों ने सुना कि ये जो रियल एस्टेट है ना, कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये कुछ टाइम के अंदर जाके ना खत्म हो जाएगी, रेट टूट जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, बहुत कुछ है ना प्लान हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा अभी होम लोन का क्या रेट चल रहा है, इंटरेस्ट का 8.5-9 ये होम लोन का वो चल रहा है। बैंकों के अंदर है ना भरमार पैसा पड़ा है, ठीक है? भरमार पैसा पड़ा है। किसी टाइम के अंदर कुछ साल पहले जो रेशो आता था वो 14% का आता था, आज 3% का रेशो रह गया। यानी पहले लोग होम लोन ज्यादा लेते थे, आजकल लोग नहीं ले रहे हैं इतना, बल्कि लेना चाहिए। आप देख लेना कुछ टाइम के बाद ये इंटरेस्ट रेट बैंक को गिराना पड़ेगा, क्योंकि बैंक पैसा कमाता कहां से है, इंटरेस्ट से लोन देके। ज्यादातर बैंकों के जो काम चल रहे हैं आज, जो फंडिंग आ रही है बैंकों के पास, वो एज ए होम लोन की इंटरेस्ट के थ्रू ही आ रही है, या अदर होम लोन करते हैं उसके इंटरेस्ट से आते हैं।
आजकल लोग इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते, होम लोन लेना नहीं चाहते इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है, फंडिंग इतनी है। बट ज्यादातर मार्केट के अंदर गाइड किया जाता है कि आपके पास अगर सेल्फ फंडिंग हो ना वो लगाओ, है ना। बल्कि ये गलत है, कभी भी अपनी सेल्फ फंडिंग कभी नहीं लगानी चाहिए। जिसने आज बाजार से पैसा कमाया है ना, उसने बैंक के पैसे से पैसा कमाया। सेल्फ फंडिंग कभी भी यूज नहीं होती रियल स्टेट बाजार में, हमेशा दूसरे का पैसा यूज करना चाहिए। रीजन उसका ये है, मान लीजिए आपके पास सेल्फ फंडिंग है, आप उस सेल्फ फंडिंग से इतना पैसा उखड़ो कि आपका लोन हो जाए, चलते रहो भरते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि साथ में पहला पॉइंट तो वो डिपेंड करता है कि आप एंटर हो रहे तो किस टाइप के प्रोडक्ट में हो रहे हो, और उसी कैलकुलेशन अगर बैठेगी तो भाई इतने टाइम के अंदर ये चीज हो रही है। आप सेल्फ फंडिंग को काम पे लगाओ, जैसे कि हम अपने इन्वेस्टर को सजेशन देते हैं कि सेल्फ फंडिंग को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो लोन का पार्ट नहीं होता, वो जितना इंटरेस्ट नहीं देता उससे ज्यादा सेल्फ फंडिंग से वो प्रॉफिट लेके बैठ जाता है। जहां आपने पैसा रोटेशन नहीं किया या जहां पे पैसा आपने स्टॉक कर दिया, तो रियल स्टेट में आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इंटरेस्ट दे भी रहा है तो एप्रिसिएशन भी तो ले रहा है ना प्रॉपर्टी उससे ज्यादा। हाँ, तो एप्रिसिएशन रियल स्टेट कभी भी आपको लॉस नहीं देते, बट कभी भी सेल्फ फंडिंग कभी नहीं यूज करनी चाहिए। हमेशा जितना होता है लोन यूज करो और सेल्फ फंडिंग को काम पे लगाओ। जो कि आज भी हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं या ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पैसे हम अच्छी जगह इन्वेस्ट कराते हैं रियल स्टेट में ही या एक, तो आप इस प्रोडक्ट को ऐसे पूरे बाजार के अंदर ऐसी चीज नहीं हो ना, तभी हमेशा एक इन्वेस्टर एक एंड यूजर, चाहे वो लेआउट से कंपेरिजन कर लो, लोकेशन से कर लो, या पेमेंट प्लान से कर लो, या आप ऐसी जो फंडिंग इसमें होनी है, ठीक है। क्योंकि पेमेंट प्लान आजकल आ रहे हैं 40-30-40 कुछ ऐसा आ रहा है, कोई 35-35-30 आ रहा है। आप अगर मान लीजिए किसी कस्टमर के पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है, 1 करोड़ रुपए है ना, तो उसको अभी पेमेंट करने के बाद 3 साल तक पेमेंट ही नहीं करनी। पहली बात तो वो लो प्राइस में बाई कर रहा है, बाजार खरीद रहा हाई रेटों के ऊपर, तो लो रेट आगे बढ़ता है या हाई रेट आगे बढ़ता है, उसको फायदा तभी अप्रिशिएट करेगा। और सुपर स्ट्रक्चर तक जब पेमेंट जानी होती है तब तक कौन आ जाता है बाजार में, एंड यूजर। एंड यूजर हमेशा जब प्रॉपर्टी बाइंग करता है ना, एक तो उसको स्ट्रक्चर खड़ा मिलता है, दूसरा उसको एक्चुअल फ्लैट दिखता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस फ्लैट में फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ये मेन डिमांड आती है एंड यूजर की, जो कि आज रीसेल होती है बाजार में, वो सिर्फ रहने आते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं होता। जितने भी प्रोडक्ट हैं अभी चल रहे हैं जो भी है, सॉरी जब इसकी सुपरस्ट्रक्चर पर डिमांड आएगी मोस्टली जिंदगी में, तो सुपरस्ट्रक्चर पर सारे टोटली जितने भी हाई राइज है वो रेडी होंगे, तो कस्टमर जब आएगा तो सभी प्रोडक्ट देखेगा ना, तो कस्टमर क्यों जाएगा महंगे में, जब उसको 14,000 में वही चीज मिल रही है, उससे अच्छी चीज मिल रही है, तो वो 21,000-22,000 वाली चीज में क्यों जाएगा। ये भी तो एक रीजन है ना। बिल्कुल रीजन है। अब जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेस वे पे लगा लो या अदर एरिया में लगा लो, आप न्यू गुड़गांव का रेट देख लो, न्यू गुड़गांव के रेट आज गोदरेज 16,000 रुपए का माल बेच रहा है अंदर के सेक्टर में, अच्छा 14,000-14,500 सेक्टर 80 बिक रहा है इतनी दूर, ठीक है। उसके बाद अगर इधर आ जाओ DLF 18,500-19,000 से लेकर 20,500 रुपए तक का माल है, उधर करीसुमी आ जाओ 20,000-20,500 रुपए का तक का रेट है, उधर वाइट लैंड है 20+ का कोटिंग करता है, कौन सा ऐसा है जो 20 से नीचे प्रोडक्ट बेचता है। और इस डेवलपर का आप विद इन 1 मंथ के अंदर देख लेना, बाजार आएगा दोबारा आएगा इसको खरीदने के, और तब देर हो चुकी होगी, ना तो यूनिट है ना रेट मिलेगा, पहली बात तो माल नहीं मिलेगा। डेवलपर की इतनी स्ट्रेटजी है भाई, मैंने है ना वो गंद नहीं फैलाना, ना मैंने यहाँ पे भीड़ लगानी है, साफ सुथरा नाम बनाना है, साफ सुथरा काम करना है और प्रॉफिट देना है। डेवलपर को आज भी हम सजेशन देते हैं कि भाई आप रेट रिवाइज करो ना, मना कर देता है,
ओनर खुद मना करता है भाई नहीं अभी नहीं, प्रॉफिट देना है, टाइम पे रिवाइज करूंगा, क्योंकि उस एरिए का रेट ही यही है, इससे ऊपर मैंने मुझे नहीं बेचना, ना मैं 20,000 कोट करता हूं जी, ना 18,000 करता हूं, ना 22,000, अगर चाहूं तो बेच सकता हूं इस रेट, बट मार्केट डिमांड ही ये कर रही है, बट लोगों के दिमाग में चीजें कुछ और भरी जाती है। नहीं ऐसा भी है ना, नया है तो रेट बढ़ा भी देगा तो कंपैरिजन तो होगा ना कि जी जब ब्रांड इस रेट में, तो ऑफकोर्स नॉन ब्रांड को तो सस्ते में ही देना पड़ेगा ना, उसको अपनी वैल्यू बनानी है ना अभी, तो वो महंगे में कैसे बनाएगा। देखिए ब्रांड नॉन ब्रांड का कोई गेम नहीं है, मेरा तो मानना ये होता है, मेरा मानना ये होता है जी आपका पैसे को बैटरी इन्वेस्टमेंट कहां से मिलेगा, मेरा मानना ये होता है, मैं कभी ब्रांड या नॉन ब्रांड से कोई मतलब नहीं होता, मेरा मतलब होता है मेरे इन्वेस्टर या मेरे जो एंड यूजर है उसको दी बढ़िया लाइफ स्टाइल कहाँ मिलेगी, बढ़िया सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी, और इन्वेस्टर को पैसा कहाँ रोटेट होगा, कब वो उसको निकालना है तो वो उसको प्रॉफिट मिले, मेरा पर्पज ये होता है, वही चीज वो ला रहा है, वही चीज वो ला रहा है, जो नॉन ब्रांड होगा वो बल्कि अच्छा पैसा बना के देता है। मैंने अभी रिसेंटली लास्ट जो 6 महीने की जो मार्केट है, जिन कस्टमरों ने खरीदा हुआ था मैंने अपने इन्वेस्टर को साफ साफ मना करके अच्छी चीज में लगाया, वो जो 6 महीने की जो मार्केट है ना, इन्वेस्टर निकल नहीं पा रहे, फंस गए हैं। मेरे पास खुद आते हैं कि जी मेरी ये यूनिट है जी सेल करवा दो, मैं साफ मना कर देता हूँ जी नहीं करते, रिसेल का माल करते हैं हम, रिसेल करते हैं सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स का, और अपने इन्वेस्टर को अपने हिसाब से हम एंटर करें, उसके पैसा के फंडिंग चेक करेंगे जी उसको कहाँ लगाना है जी, इतने टाइम में कहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा। एक इन्वेस्टमेंट 7 करोड़ की आप एक प्रॉपर्टी में कर लो, और उसी 7 करोड़ को हम मल्टीपल उसमें चीजें करेंगे, तो वो 1 करोड़ 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी मल्टीपल मार्केट से ज्यादा कमा के आपको देगी। तो पैसा जहां जहां जिस हिसाब से, हर पूरी बाजार इन्वेस्टमेंट की नहीं होती, या पूरा बाजार ही में आप रोटेशन या एग्जिट नहीं हो सकते, वो डिपेंड करता है कि आपका मॉडल कहाँ काम कर रहा है, कहाँ पे आपका पैसा है, या जो आपकी रिक्वायरमेंट है कहाँ पे फुलफिल हो रही है, उसके हिसाब से कस्टमर है ना एग्जिट हो पाता है। पूरी दीवार का एक्सप्रेसवे के ऊपर आज रिसेल नहीं है, लोग एग्जिट नहीं हो पा रहे हैं, जो लोग पिछली मार्केट में खरीद के बैठे हैं 6 महीने पहले, आज रिसेल नहीं है, बेचने वाले ज्यादा हैं खरीदने वाले कम। जो द्वारका एक्सप्रेसवे और ये दिल्ली वाला जो एरिया इस एरिया के अंदर रिसेल कम है, बाजार उठ रहा है तो इधर के एरिया में उठ रहा है, बट रिसेल अब जो रेपुटेटेड होगा, जो लिस्टेड प्लेयर होगा, पहली बात तो वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान लेके आएगा, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में पैसा ज्यादा चला जाता है तो एग्जिट नहीं हो पाता। हमेशा हर प्रोजेक्ट के अंदर चेक करना होता है इसका पोटेंशियल कितना है, कितनी डिमांड होगी, और इसका फ्यूचर प्लानिंग क्या बनेगा, तो इस प्रोडक्ट के अंदर लोग आएंगे तो कौन कौन खरीदेगा, इन्वेस्टर या एंड यूजर, और आपको कितना मिलेगा। किसी के पास सेल्फ फंडिंग हो या कुछ ऐसा हो, भले ही मिलवा लेना, उसका पैसा अच्छी इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और उस एक पैसे से 2 इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। एक तो उसी सेल्फ फंडिंग से 1 इन्वेस्टमेंट करो, एक उसी पैसे से 2 इन्वेस्टमेंट, दोनों बराबर चलेंगे, दोनों में प्रॉफिट है। आप इस प्रोडक्ट को भेज दोगे, कस्टमर गारंटी मांगे गारंटी दे देगा, खुद ब्रोकर आके माल लेते हैं, माल नहीं मिल पाता क्योंकि हम शॉर्टेड जो रिटर्न वाली जो चीजें होती है उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं, जहां पे 2 पैसा इन्वेस्टर्स का बनना चाहिए। किसी को भी लाके या किसी का भी ऐसा हो कोई ये चीजें बोलता है, भले ही ले आना, कोई दिक्कत नहीं, आप दिल खोल के इस चीज को आप गाइड करो और 2 पैसा लेके निकलेगा, चाहे वो एंड यूजर, और एंड यूजर के हिसाब से ऐसा लेआउट, ऐसा पेमेंट प्लान, ऐसे ही लोकेशन, और क्या चाहिए उसको, यही चाहिए होता है। अगर सराउंडिंग में 20-20,000 के हिसाब से काफी सारे प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट ऐसा आया है जो 14-15,000 के आसपास है, तो अप्रिसिएशन परसेंटेज जो रहेगी ना इसमें हाई रहेगी,
बिल्कुल हाई रहते हैं, मार्केट तो जरूर ऊपर जा ही रहा है। 20,000 वाले ये है कि आपको 2,000 रुपए अगर कोई दे रहे थे ये आपको ज्यादा देगा, क्योंकि इन्वेस्ट, क्योंकि बाजार है ना कुछ टाइम के बाद है ना उबर जा रहा है, जैसे आज उबर गया बाजार, बाजार टूटेगा नहीं बट उबर गया है, बार बार यही 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 कान पक गए हैं सबके यार, हर कोई ये कहता है यार कुछ और नहीं है, और है ही नहीं बाजार में, यही है, यही है और कुछ नहीं। और जल्द ही हम एक और प्लान कर रहे हैं जो बाजार में भरमार डिमांड है, वो जल्द बाजार में उतारने वाले हैं। अपना रोल, अपनी संस्था कुछ डिफरेंट तरीके से काम करते हैं बाजार में, तो जल्द ही आपके कस्टमर जो आपके इंडिविजुअल हो, चाहे आपके कस्टमर हो, इन्वेस्टर हो, कोई भी, उसके लिए जल्द से जल्द हम ये प्रोडक्ट और ले आएंगे, ऐसे चुटकियों में बिकेगा। अरे एंड यूजर हो या इन्वेस्टर हो, खुशी से लेगा इसको, क्योंकि इस पैकेट में आज अगर न्यू गुड़गांव 95 के एरिया का अगर देखोगे, वहां भी 12,000-13,000 रुपए कोट करके तो 10,000 रुपए का माल बिकता है 95 वाले एरिया। तो यहाँ पे जो माल और जो लोकेशन है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो भरके डिमांड, हर चीज की डेवलपमेंट के बगल में। आप भले ही इसको सजेशन में ले आओ, इन्वेस्टर हो या एंड यूजर हो, आप दिल खोल के इसमें एंटर कर सकते हो और गारंटी भी दे सकते हो कि हाँ मेरा पैसा यहाँ कुछ ग्रोथ हुई या नहीं हुई। ठीक है, हर प्रकार की सिक्योरिटी ग्रोथ तो दिख ही रही है, कस्टमर को भी दिख रही है जी, आज मैं UIP इतने रेट में ले रहा हूँ तो आपको लॉन्चिंग रेट तो ज्यादा है तो उसी गैप में कमा रहा है वो, अप्रिसिएशन तो लॉन्चिंग और प्री लॉन्चिंग के टाइम तक के गैप में कमा रहा है वो, 3,000 का गैप तो आ गया ना, तो कहाँ मिलता है 3,000 का? 650 करोड़ का प्रोडक्ट है, छोटा नहीं है, 650 करोड़ का प्रोडक्ट है ये, और हर चीज इसके अंदर A1 आनी है, चाहे वो आप फ्लैट की एमिनिटीज को ले लो, सोसाइटी की एमिनिटीज को ले लो, आपकी लाइफस्टाइल की ले लो, मोस्टली वो चीज नहीं है जो पूरे बाजार में, चाहे आपका कितना ही ब्रांडेड हो, चाहे कितना ही कुछ हो, उससे भी बेटर चीज है। ठीक है, तो मेरा मेन पर्पज आज यही था कि बाजार है ना, बाजार उठ चुका है इस चीजों से सुन सुन के, और बार बार लोग कॉल करते हैं कस्टमर को, ये ले लो सर, ये ले लो, ये ले लो, फंसा के साइड हो जाते हैं उसको, राइट साफ बता के चलो जी इसमें है जी, ऐसे नहीं निकल पाओगे या इसमें ये फंडा होगा, बट कस्टमर कई बार मांग लेता है दे दो, बट जी गारंटी आप दे, साफ बोल के चलो ना, डील हमें चाहिए ही नहीं, हमें वो चाहिए जी जो चीज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो रहना चाहता है जी, उसको राइट सजेशन देना हमारा काम है, बाकी चीज उस पर छोड़, अगर वो अपनी मर्जी से लेना चाहता है तो देखो डील अपने पास पूरा बाजार है, उंगली रख दो जी किस में चाहिए उसी में, बेटर डील भी है, बेटर चीजें भी हैं, बेटर लेआउट भी है, बेटर भी है, बट जी आगे की हमारी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि रिसर्च ही आपको बेटर बनाती है, आपको आगे के एग्जाम्पल लेके देती है कि आप आगे क्या आपको और ऐसे एक्सप्लेन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उस प्रोडक्ट को आप देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इतने तो आप लोग भी इतने एजुकेट हो ही चुके हो कि खुद ही ऐसा वो डिसीजन ले सकते हो बेटर उस पर।